एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, इक्वल है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आई प्रूव करना है स्टेप 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਉਹ ਤੇ ਵੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ओरिजिनल लेंथ एल इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, बट मैं एक बार इनू की लिख दूंगा एक्स। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग वाले केस च भी याद करो ओरिजिनल लेंथ एल एंड जो तो वेट लगाता एक्सटेंशन वॉज एक्स, जो तो रिमूव कर देने तुसे व्हेन यू रिमूव दिस वेट दिस वायर कम्स बैक टू द ओरिजिनल। स्प्रिंग वाले केस भी यही है, व्हेन यू रिमूव दिस वेट स्प्रिंग कम्स बैक टू द ओरिजिनल। यह मतलब है जी रॉड है दैट ऑल्सो एक्ट एज अ स्प्रिंग। बस यही पता कर लिए कि इक्विवेलेंस किवें है फॉर स्प्रिंग अरेंजमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, आगे याद मैगनीट्यूड वाइज याद रखने के एक्स। यह मतलब है रॉड का भी के पता कर लिए, कल तुम किया यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, आ गया याद स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय स्ट्रेन एस के एक्स बाय एल। एफ इज इक्वल टू की आया थोड़े को यंग मॉडुलस ए बाय एल इंटू एक्स। कंपेयर करांगे रॉड का ते स्प्रिंग का, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करके की आ गया मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड की अगर गल करोगे एक बजूगा प्लस। सो के ऑफ अ रॉड, एक रॉड वास्ते के की बन जूगा वाई ए बाय एल। ए याद करो मैं तुम्हें पहला भी कहा सी कि एक रॉड वास्ते सॉरी स्प्रिंग वास्ते की अरेंजमेंट सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। याद करो स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल इफ यू कट इट इन टू पीसिस, इधर स्प्रिंग कॉन्सटेंट कितना हो गया सी 2k, अगर 1/3 कर दोगे 3k, 1/4 कर दोगे 4k, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल मैं तुम्हें कहा चैप्टर 7 होगा वो प्रूव करा, प्रूव हो गया। टू वाई यंग्स मॉडुलस, वाई स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील, स्टील का वाई ज़्यादा होता है सो दैट स्टिफनेस वो वधिया बनाई जा सके। ए कॉम्पीटिशन क्वेश्चन है कदम यंग्स मॉडुलस की रेशो दो स्प्रिंग्स की के की रेशो पूछ लेंगे, कदम वाई भी दिता है एल भी दिता है के पूछ लेंगे, कदम ए दिता है एल दिता है के पूछ लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन है। सो स्टेप 1 के सिर्फ असं प्रूव किया कि एनर्जी स्टोर्ड तो हजे करांगे। स्प्रिंग होर कोई याद है तुम्हें एनर्जी स्टोर्ड इन आ स्प्रिंग का फार्मूला याद है, वो भी लिख दें थोड़ी देर से काम आ जाएगा 1/2 kx2। स्टेप 1 3 मिनट्स, डायग्राम ड्रॉ करके 1 full page इज रिक्वायर्ड। नोट्स के डेरीवेशन देख के अंदाजा लगा लिया करो भी एक पेज लगेगा।
कर ले नोट, हो गया भाई। स्टेप टू च एनर्जी पता करिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। बोलो देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज 1/2 के इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर। के इक्विवेलेंट प्रीवियस स्टेप वन च बोलो की आया, वाई ए वाई एल एक्स स्क्वायर। बट तुसी ये तो पूछे ही नहीं सी, पूछे की ये क्वेश्चन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम स्टेप थ्री। अजय लिखना नहीं, टाइम दूंगा। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द रॉड। यस, इफ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज इट्स लेंथ, वॉल्यूम ऑफ दिस वायर इज ए इंटू एल। ए कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 वाई एक्स बाय एल द स्क्वायर। ये तो देखो आ जाएगा 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन द स्क्वायर। इतों तक भी ठीक है, बट वो कहता नहीं आप प्रूव करो, स्ट्रेन आज फाइनल कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेस आना चाहिए तो वाई नहीं आना चाहिए। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज 1/2 इतने गया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन द स्क्वायर। सॉल्व करके की आ जाऊगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। 4 मिनट्स। वक्त की है क्वेश्चन नंबर 6, मैं 7 होने लगवाऊंगा, और से छह नहीं क्या लगवाऊंगा। न्यूमेरिकल नंबर 12 टू 16 पहला कंप्लीट कर लो ये। कर ले कंप्लीट कर ले, लिख लिया। न्यूमेरिकल नंबर 13, 1/3 द स्क्वायर व्हाट इज गिवन व्हाट इज रिक्वायर्ड। पेज नंबर दस देना 7/30। सेवन बाय थर्टी गिवन की ओ लिखो पहले, फिर रिक्वायर्ड की है। ड्रॉ दिस डायग्राम, आप वाला कर सकते हैं। गिवन की है, बोलो लेंथ, बोलो
4 mm meter. आगे ऐसे यूनिट स्ट्रेच थ्रू दैट मीन्स व्हाट एक्सटेंशन कितनी है 2 mm 2 × 10⁻³ मीटर. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ए इज 2 mm. यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पता की करना है, फर्स्ट पार्ट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पता करना है. इस फॉर्म से लिख के दिखाओ. अज ही कितना 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और उस तो पहले क्या आया सी, जस्ट उस तो पहले 1/2 वाई स्ट्रेन द स्क्वायर, यदा मतलब 1/2 वाई एक्स बाय एल द स्क्वायर. ये वैल्यूज पुट करके आंसर दस दो. वाई गिवन, एक्स गिवन, एल गिवन, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करके आंसर दो. किसका आंसर आ गया भाई, कितना है बोलो? 2.5 × 10⁴ की चीज जूल पर मीटर. सेकंड पार्ट की है, एनर्जी पता करनी है. सेकंड पार्ट पता करना है एनर्जी. बी पार्ट एनर्जी किमें आएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो तुम ए पार्ट किया इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज व्हाट एरिया इनटू लेंथ. पहले पार्ट तो आंसर तो आया सीगा 2.5 × 10⁴ इनटू एरिया बोलो 2 × 10⁻¹ इनटू लेंथ 4. सॉल्व करके दसो कितना आंसर आ गया. बोलो 0.2 जूल. बुक के विच नेक्स्ट टाइप देखो की है न्यूमेरिकल दी. यस पॉइसन रेशियो. हम बुक के विच देखो कितने लिखे है वापस, क्योंकि नोट्स नहीं लिखा. पेज 7/14 पे आ जाओ. यस पॉइसन रेशियो. किमें डिफाइन की हुई है लेटरल स्ट्रेन, कोई गल नहीं, देख रहे की मतलब है. डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन. पहले यदि गल करते हैं लॉन्गिट्यूडनल तो होंगे अलोंग द लेंथ, तो लेटरल कि होंगे परपेंडिकुलर, तो यह जी डायरेक्शन है इनू कहते हैं लेटरल. वेन एवर यू स्ट्रैच अ वायर, एक वायर पकड़ के तुम उन्होंने जो इस तरह खिंचो
ਹੌਲੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਟਸ ਲੈਂਥ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਆਰ ਬਾਏ ਆਰ ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਬਾਏ ਐਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਵੈਨ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾ ਤਾ? ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥਰੈਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਥਰੈਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.5। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੋਇਸਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਲੈਸ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਪੋਇਸਨਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹਦੀ ਥਿਰੀ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0.5 ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਪੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਲਿਖੇ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੋਇਸਨਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਕੇ ਬਸ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੋ, ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੋ ਨਾ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ। ਪੋਇਸਨਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 100। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਟ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਏ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਟੀਲ ਮੇਨ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 10 ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ 50 ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਟ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੂਗੀ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਇਨਫਾਈਨਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੇਟ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਟ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ, ਵੇਟ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਕ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3 ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰੇੜੀ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਬੀਅਰਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 kg ਪਾਇਆ, 1 cm ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, 2 kg ਪਾਇਆ, 2 cm ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਿਸ। ਇਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ 'ਤੇ, ਯੈਸ 100 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 6 kg ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 6 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ 6 cm। ਫਿਰ ਵੇਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 1 cm ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲਗਾਓਗੇ, ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 kg ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਂ ਸਪਰਿੰਗ 'ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਅਪ ਟੂ ਵਿੱਚ ਇਫ ਡੀਫੋਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ। ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ 1 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀ ਬੋਡੀ ਰੀਗੇਨਸ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਫ ਡੀਫੋਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੂਜ਼ਸ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਗੈਟਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੀਫੋਰਮਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1 cm ਦੀ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ 1 cm ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਨ ਹੁਕਸ ਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਯੈਸ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਈ ਇੰਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਏ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੇਨ, ਅਗਰ ਈ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 2 ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਆਓ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੋ? ਸੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਕਿਹੜਾ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਲੈਬ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ, ਕਾਹਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਬਾਏ ਐਲ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬਾਏ ਏਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲੈਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਪੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਸਕੇਲ।
इस वास्ते भाई रीडिंग लेने वास्ते लेंथ कितनी होगी? वेट्स हौली हौली करके वेट्स दे चक्की जाओगे, 1 किलोग्राम वेट, और ज़्यादा पाने 2 किलोग्राम वेट, 1 1 किलो दे वेट्स हौली हौली पाई जाओगे, टीम बनोगी, एक पर्सन की ड्यूटी लगा दोगे वेट पाई चल, वो चक चक के वेट पाई जाएगा, दूसरे वन कहोगे तू लेंथ मेजर करी चल, वो लेंथ मेजर करी जाएगा, ओरिजिनल लेंथ फिक्स है, एरिया रिमेन्स आलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम, दैट मीन्स वट ए वास्ते फोर्स किमें पता करोगे? वेट, डेल्टा एल किमें पता करोगे? एथ एक्सटेंशन, सपोज यू मार्क दिस एज रेफरेंस, 0 मार्क कर लो, हम जो 1 mm 2 mm अज रीडिंग्स आन गई आ की हो गई डेल्टा एल ही हो गया, एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, तो उसने हौली हौली वेट पाना शुरू किया, हौली हौली वेट पाना शुरू किया, जो स्ट्रैस नहीं सीगा तो स्ट्रेन कितना 0, हौली हौली स्ट्रैस वधाया, स्ट्रेन वधा गया, स्ट्रैस वधा रहे हो, स्ट्रेन वध रहा, 5 किलो तक चले गए, 5 किलो तक स्टेटस यह सी, इफ यू रिमूव द वेट देन दिस विल रीट्रेस इट्स अ पाथ, 4 kg 3 2 1 0 वापस आ जाएगा, उस रूट पर वापस आ जाएगा, तो कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होएगी, बट 5 किलो तो उपर जिमें गए, 6 किलो तो एक्सपेरिमेंट किया, फिर घटाया, जो तो घटाओगे अवला पाथ रीट्रेस नहीं करूगा, ये पाथ रीट्रेस करूगा, ये वाला इतने की पहुंचेगी, स्ट्रेस कितना करता तुम 0, बट स्ट्रेन इज देयर कितना OO1, इस OO1 नू की कहते हैं, OO1 नू कहते हैं यस परमानेंट, देखो नोट्स लिखा हुआ है डायग्राम, परमानेंट परमानेंट चेक डायग्राम के नाल लिखा हुआ है, ये जिथे तक पहुँच गए पहले उतों तक मार करते हैं, ओ तो लैके कितों तक पहुँच गए ए, ओ तो लैके ए तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ, ओ ए इज वट इलास्टिक रेंज, फिर जे बी ते गए चले इनू नी कहते हैं नी ऑफ द ग्राफ, जे बी ते चले गए तो वापिस आओगे तो परमानेंट सैट है, दैट मीनस वट प्रैक्टिकल तो मटीरियल कितने तक अलाउ करोगे यूज करना, ए तक करोगे, ओ डी डैश वो तो इधरले पास डायग्राम च है, इस तरह चलता रहूगा, तुम इनक्रीज कर रहे हो स्पेस, इस पार्ट देखो की हो रहा है, ये अड अड बुक्स अड अड ग्राफ बन गए, घबराना नहीं, स्ट्रैस तो थोड़ा जब आया, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये इक्विवेलेंट की है, एक्सपेरिमेंट तुम्हें भी किया तुम्हें याद नहीं है कि च्युइंगम खाधी हुई च्यू की हुई च्युइंगम याद आ गया, हम छोटे होंगे च्यू की हुई च्युइंगम पकड़ ली, ठीक है, वो उन्होंने खिंचना शुरू करता, पता लग रहा है कितना टुटोगे, समझ रहे ये जो तुम एक्सपेरिमेंट किया लैब च स्टील वायर वास्ते करते हैं तो कदों तक खिंचते सी जो तो टुट नहीं जाती, आ गया याद कि नहीं आ गया, तो स्ट्रैस स्ट्रेन ग्राफ ही बनाते पर तुम्हें पता नहीं सी तुम इन्ना वड्डा एक्सपेरिमेंट करी जाने, ठीक है, ये भी तुम देखो ध्यान नाल जो ये इनक्रीज कर लग्या आ जोड़ा ग्राफ है आवला जो पार्ट है विच इज़ मार्क्ड हेयर एज पी सी, कोई गल नहीं असं इनू जिमें मर्जी मार्क कर दो, ए पी इज ए यील्ड पॉइंट यानी कि ये इतने लगा लो इधर लगा लो कोई फर्क नहीं पैदा, ई तो जाके की होया इतने स्ट्रैस क्यों बढ़िया देखो ध्यान नाल, डी पॉइंट है ना डी दे करोसपोंडिंग इधर की है डी डैश, इस पॉइंट पर जाके स्ट्रैस किमें बढ़ गया एरिया कट गया,
नैक बनने शुरू हो जाते हैं। नैक का मतलब है किसी भी चीज़ के एरिए का घट जाना। जो तो नैक बन लग गया, स्ट्रैस बढ़ गया, बस इतने टुटना शुरू हो जाएगा, इतने आके टुट जूगा। इस पॉइंट को की मार्क किया वे ई, ओ डी दे करोसपोंडिंग ओ डी डैश है, वो कड़ा स्ट्रैस है कितना, हेलो ई ते की होया ब्रेकिंग पॉइंट, ई ते ब्रेक हो गया। ओ वन पहले एक्सप्लेन करता सी परमानेंट सेट, दैट मीनस बेसिकली ये तुम पहले तो घबराना नहीं, डिफरेंट बुक्स के आ वाला पार्ट डिफरेंट मिलेगा, आ वाला पार्ट सेम मिलेगा, इतने तक इलास्टिक लिमिट हैगी है। उस तो बाद तुम मटीरियल यूज़ नहीं करना क्योंकि वो परमानेंट सैट आना शुरू हो जाऊगा। आफ्टर दैट इफ यू इनक्रीज स्ट्रैस, स्ट्रैस बहुत थोड़ा जहा इनक्रीज किया, स्ट्रेन बहुत बदन लग गया, इतने अं कहने मटीरियल फ्लो कर लग गया, तुम इन छड़ दो खिंचना, इस तरह खिंचते हो ना, खिंचना छड़ दो, फिर भी अपने भार करके वधी जांदा है बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, बिकॉज वी से द मटीरियल स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो ये डी ते जाके एक स्टेज आ जाएगी इवन द स्ट्रेस बिकम्स मैक्सिमम ते इमीजिएटली, उस तो बाद वह ब्रेक हो जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है फॉर अ गिवन मटीरियल, फॉर डिफरेंट मटीरियल्स दिस ग्राफ दिस पार्ट विल कम आउट टू बी डिफरेंट, दैट इज़ वाई बुक्स डिफरेंट बनाया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है, लिखने वास्ते तुम एक किन्ना टाइम लगाओगे, 10 मिनट्स, दो पेज है ना, 10 मिनट्स लगाओ तो लिख दो बस। डायग्राम सारे ड्रॉ करना, नोट्स देख देख के हर एक चीज लिखी जाना, ए डायग्राम ऐड कर लेना बस, कितने भी स्पेस नीचे स्पेस हैगी है। ठीक है, सो दैट यू नो वट इट मीन्स। ठीक है।